अगर फ्रेंड्स आपके पास है इनफिनिक्स का स्मार्ट 6 प्लस और इस फोन में आपको करना है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो किस तरह से कर सकते हैं आप इस फोन के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, ये मैं बताऊंगा। इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की कैसे क्या क्या आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके फोन का जो कंट्रोल सेंटर रहता है, इस तरह से इसको ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको इस तरह से इसका ओपन कर लेना है, साइड करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली इसकी सेटिंग करने के लिए इस पर टैप एंड होल्ड करिए और आप इसकी सेटिंग में आ जाएंगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह कर सकते हैं वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे साउंड की सेटिंग को भी आप कर पाएंगे। जब आप साउंड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो रहेगा वॉइस के सहित स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक रहता है साइलेंट। अगर साइलेंट करना है तो सेलेक्टेड है, विद वॉइस की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो इस पर क्लिक करके श्योर पर क्लिक कर देना है। तो अब आप जो बोलेंगे और जो स्क्रीन में चलेगा दोनों ही आपकी ऑडियो एक साथ रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर आपको चाहते हैं आपके फोन में एक ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय, ये तो ऑप्शन इस फोन में नहीं है। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, तो आप ये भी कर पाएंगे। तो इस तरह से इस फोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर रहेगा उससे सिर्फ दोनों ऑडियो को एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर क्वालिटी का एक ऑप्शन है जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, मीडियम हाई एंड लो जो भी रखना चाहें यहाँ सेट आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्ड स्क्रीन क्लिक पोजिशन। अगर आप इस फीचर को इनेबल रखेंगे तो जहां जहां आपने टैप किया हुआ स्क्रीन रिकॉर्डिंग होते समय, तो वहां वहां आपको दिखाया जाए कहां का किस किस टाइम आपने टैप किया था। तो ओवरऑल ये कुछ आपको सेटिंग देखने को मिल जाती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए सिंपली अपने कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, इस स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करना है। फिर से आपसे पूछा जाएगा किस टाइप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, उसको फिर से सेलेक्ट कर लीजिए एंड स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। तो टाइम आएगा 30 सेकंड का। 3 सेकंड का टाइम आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी चालू हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसको क्लिक करके सेव कर सकते हैं और प्ले करके देख सकते हैं। तो आप कर सकते हैं इस फोन में इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।